Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss about transmission media. Transmission means कोई भी data को transfer करना और media means हम किस medium के through data को transfer कर रहे हैं. That is known as the transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया इज व्हाट मीडियम ओवर द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड. कि हम जो मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल उसमें यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया. डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड यूज इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स फॉर वेरियस पर्पसेस. वी आर हैविंग वेरियस ट्रांसमिशन मीडियाज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स. We can use any of the transmission media. Now let's discuss the types of transmission media. Basically, we are having two types of transmission media, wired media and wireless media. Wired means जिसमें आपकी wire होगी और wireless means जो आपके unguided media होंगे. Means without wire जो हम data transfer करते हैं, that is called wireless media. Further, in wired media, we are having three categories: twisted pair cable, coaxial cable, and optical fiber cable. And from wireless, we are having four categories: infrared, microwave, radio waves, and satellite. Generally, इसका एक आपका board exam में जो question बनता है, वो आपका या तो comparison आ सकता है between coaxial cable और optical fiber, or they can tell you to write the comparison between ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल केबल या फिर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडियो वेव्स, इस तरीके से. और एक वन मार्क का क्वेश्चन आता है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ट्विस्ट होना एक दूसरे के ऊपर. इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल 1 mm थिक कॉपर वायर्स इंसुलेटेड एंड ट्विस्टेड टूगेदर. As you can see, इसमें मेरी two wires होती हैं और उनका जो size है वो that is 1 mm. And as you can see, they are twisted around each other. The twisted pair cables are twisted in order to reduce the crosstalk and electromagnetic induction. Crosstalk क्या होता है? Suppose बेटा मैंने यहाँ पर अपना data transfer किया, ठीक है, this is the source and this is the destination. इस मीडियम के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं. सपोज मैंने डेटा ट्रांसफर करा एक्स, लेट मी चेक दिस, वाई, डब्ल्यू, ये डेटा मैंने ट्रांसफर करा, ठीक है. अब जब वो आपका डेटा यहाँ से जा रहा है एक्स और वाई, तो इन बिटवीन सपोज करो आपका जो डब्ल्यू वाला कैरेक्टर है वो लीक हो गया, तो आपका डेटा कंप्लीट नहीं सेंड होगा. उस प्रिवेंशन मीन्स वो जो आपका डेटा लीक हुआ है उसकी प्रिवेंशन के लिए हम एक और वायर लगा देते हैं यहाँ पर, तो वो आपका क्या हो जाता है? ट्विस्टेड वायर. कि हमने एक वायर के साथ दूसरी वायर को क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया. और किस लिए करते हैं अपनी वायर को ट्विस्ट? टू रिड्यूस द लीकेज ऑफ द मैसेज. जो आपका मैसेज इन बिटवीन लीक हो जाता है, डिलीट हो जाता है, टू प्रिवेंट दैट वी यूज द ट्विस्टेड पेयर केबल. नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस. इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स, उनको मेंटेन करना, उसकी इंस्टॉलेशन जो है काफी इजी है एंड इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड में, कि विच वन इज इनएक्सपेंसिव, तो यू हैव टू राइट द दिस ट्विस्टेड पेयर केबल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, इट इज इनकेपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. रिपीटर्स क्या होते हैं? कि अगर मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो इन बिटवीन हम क्या यूज कर देते हैं? रिपीटर्स. तो उससे रिपीटर्स से क्या होगा, जो हमारा डेटा वो एम्पलीफाई हो जाएगा और जो मेरा डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है. बट इन केस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज इनकेपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर अपना डेटा ट्रांसफर करना है, so for that I cannot use the twisted pair cable.
और इनकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ मींस डेटा काफी लो होती है, तो दीज आर नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस। जहां पर मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए, इन दैट केसेस आई कैन नॉट यूज दैट ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट इज माई कोएक्सियल केबल। इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन मोर फॉइल और ब्रेडेड वायर शील्ड्स। ईच पार्ट इज फ्रॉम द अदर बाय सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर। ये जनरली आपकी यूज होती है जो टेलीफोन की केबल वायर्स होती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज हैविंग कोएक्सियल केबल। इसमें आपका यहाँ पर ये सेंट्रल कंडक्टर है, दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द फॉइल शीट, ये आपका सिल्वर कलर का होता है। उसके बाद दिस इज योर ब्रेडेड शील्ड एंड दिस इज द आउटर जैकेट। जो हमारी टेलीविजन की जो केबल की वायर्स होती हैं, जनरली उसमें आपकी कौन सी यूज होती है बेटा? कोएक्सियल केबल। नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ दैट। डेटा ट्रांसमिशन रेट इज बेटर देन द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इन ट्विस्टेड पेयर केबल वी आर हैविंग द वेरी लेस डेटा ट्रांसमिशन रेट, बट एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स आर हैविंग मच फास्टर डेटा रेट, बट नॉट बेटर देन द नेक्स्ट वन दैट वी विल डिस्कस। कि जो सबसे फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो किसका होता है? ऑप्टिकल फाइबर। इट प्रोवाइड्स अ चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मींस अगर मुझे विद इन अ सिटी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कोई अपना डेटा ट्रांसफर करना है, तो एट अ रीजनेबल कॉस्ट हम इसको यूज कर सकते। दीज आर ऑब्वियसली, अगर इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट फास्टर है तो एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स दे आर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रिकनफिगर। अगर मुझे इसको रिकनफिगर में दोबारा से उसको लगाना हो, उसको कनेक्ट करना हो, तो इसमें आपका काफी जो है टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। नेक्स्ट इज माई ऑप्टिकल फाइबर। एंड ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर्स That can carry information in the form of visible light. ये आपकी light की form में जो है data को transfer करता है. Transmit data over long distance with high security. इसका जो transmission rate है वो काफी ज्यादा है speed, और security भी ज्यादा है, transmission speed भी ज्यादा है, और even we can transmit the data in a long distance. Provide better noise immunity. अगर आपका कहीं पर noise है तो उसको भी reduce करेगा. Bandwidth is up to 10 Gbps, gigabits per second. Disadvantage is expensive as compared to other guided media. जो हमने 3 guided media पढ़े हैं, twisted pair cable, optical fiber and coaxial cable, उन सब में से जो सबसे ज्यादा expensive है that is optical fiber, और जिसका data transmission rate सबसे ज्यादा है that is also the optical fiber. Need special care while installation. जब हम ऑप्टिकल फाइबर को इंस्टॉल करते हैं तो जो आपके इस फील्ड में स्पेशल टेक्निकल टेक्नीशियंस होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। नाउ दीज वर द 3 गाइडेड मीडियस। कि जब भी हम डेटा ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी ट्रांसफर थ्रू दैट पर्टिकुलर मीडिया, वायर्ड मीडिया के थ्रू होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड वेव्स। The infrared light transmits the data through the air and can propagate throughout a room but cannot penetrate the walls. Means जो आपकी infrared rays होती हैं वो आपके within the room सिर्फ applicable होंगी and it will not penetrate the walls. That means अगर मैं wall के इस तरफ खड़ी हूँ और उस तरफ मैं कोई चीज use करूँ जिसमें infrared rays use हो रही हैं, that we cannot do. इसमें इवन आपका जो एयर है जैसे ऑल अराउंड वी आर हैविंग दैट, तो उसके अराउंड आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है। आपने टीवी रिमोट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जो उसके आगे स्मॉल सा बल्ब होता है, वहां से आपकी इंफ्रारेड रेस पास होती है, आप उसको विद इन दैट रूम आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप वॉल के उस तरफ चले जाओ और फिर उसको चेक करो तो आपके वो यूज नहीं होगा। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन हैज बिकम कॉमन इन टीवी रिमोट्स, ऑटोमेटिव गैरेज डोर्स, वायरलेस स्पीकर्स, इन सब में आपका क्या यूज होता है? इंफ्रारेड। नेक्स्ट वी आर हैविंग द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ वेवलेंथ। जो इसकी वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर टू 30,000 मीटर्स। द ट्रांसमिशन मेकिंग यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज
इज टर्म्ड एज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। इसमें आपका जो है रेडियो वेव ट्रांसमिशन में रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं, एंड दीज आर माय वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ लेट्स स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ दिस। इट इज चीपर देन लेइंग केबल्स एंड फाइबर्स। जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं या ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, उनसे ये थोड़ी सी क्या लेस एक्सपेंसिव है। इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट शेयरिंग, कि अगर जो मुझे कम्युनिकेशन करना है वो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज इनसिक्योर कम्युनिकेशन, ये आपका इनसिक्योर है, एंड इट इज ससेप्टिबल टू वेदर इफेक्ट्स लाइक रेन्स, थंडर्स एंड स्टॉर्म्स। अगर कहीं पर मैं रेडियो वेव्स यूज कर रही हूँ, आपका वेदर खराब हो जाता है, तो ड्यू टू दैट या थंडर स्टॉर्म्स, ऐसा कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर दैट हैपन, तो उस केस में जो हमारी रेडियो वेव्स इफेक्टिव नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज माय माइक्रोवेव। द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव सिग्नल्स ट्रेवल एट अ हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। जो हमारा इसमें जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू माई रेडियो वेव्स, एंड आर पॉपुलरली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है, सो वी कैन यूज द माइक्रोवेव वेव्स। इट इज चीपर देन लेइंग केबल और फाइबर। इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशंस। अगर मुझे ओशंस के थ्रू भी अपना डेटा कम्युनिकेट करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वी कैन यूज दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट इज माय सैटेलाइट लिंक। द सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं, अगर मुझे ओशन में के थ्रू कनेक्ट मीन्स ट्रांसफर करना हो, देन वी कैन यूज। बट अगर मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डेटा ट्रांसफर करना हो, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द सैटेलाइट लिंक। एज यू कैन सी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट लिंक फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एंड डाउनलिंक टू रिसीव द डेटा। एडवांटेजेस, एरिया कवर इज क्वाइट लार्ज। इसमें जो आपका एरिया कवर होता है सैटेलाइट वेव्स में, वो काफी लार्ज होता है। इसमें आपकी कोई लाइन ऑफ साइट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स आपका जो डेटा है वो अगर माउंटेन्स हो, टॉल बिल्डिंग्स हो, टावर्स हो, सबके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडियम, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स, दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस ऑल द चैप्टर्स, आई विल मेक द वीडियो ऑल्सो of important questions from this chapter. So if you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.